पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आपने परमिशन तो ली है ना? तो बेटा परमिशन की बात नहीं है, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे समझ में नहीं आता कि उस लड़की की बातों का असर तुम पर क्यों होता है। हम ये काव्या की वजह से नहीं कर रहे हैं। तो बेटा बंटी मामा की फैक्ट्री के हादसे की रिपोर्ट क्यों देखनी है तुमको? जब उसने कह दिया कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कॉर्पोरेशन ने केस भी बंद कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता कि उसने तुम्हें थोड़ा सा भड़का दिया और तुम निकल पड़े सबूत ढूंढने। हमने बोला ना काव्या का ऐसे कोई लेना देना नहीं है, उसे तो पता भी नहीं कि हमें इस रिपोर्ट के बारे में पता है। ये औरत के कारण ना लंका चल गई थी। काव्या उसका मुद्दा नहीं है, ये मत बताओ हमें। हाँ ठीक है, हमें एक बार उस जश्मदीद गवाह का बयान पढ़ना है और मामा के सच का सबूत काव्या के मुंह पे मारना है और फिर उसके सामने चेक निकाल के हम बैंक में डालेंगे। खुश? खुश तो बेटा उस दिन होंगी जिस दिन ये लड़की हमारे घर से और तुम्हारे दिल दिमाग से निकल जाएगी। ये लो। पक्का ये कपड़े हैं ना? अंदर से निकलवा कर लाए, बिल्कुल डिट्टो है। मगर काव्या हमको तुम्हारा वहां जाना एकदम सही नहीं लग रहा है। धीरे बात करो, देखो यहाँ पे दरवाजे खिड़की दीवार हर चीज के कान है। अगर आदि ने बंटी मामा के पैसे ले लिए तो उसका पूरा का पूरा करियर खतरे में आ जाएगा। हमारा खतरा उसके खतरे के आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम वहां पकड़ी गई तब तो बवाल होगा, हम पे इल्जाम लगा दिया जाएगा कि हमने कागज बदल दिए और इसीलिए ये जरूरी है। देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सबकी नजरों से बच के वहाँ जाना है और फाइल में से गवाह का बयान निकाल के लाना है। ये वो कागज है जो तुम घर से लेके गए हो, नकली कागज है। ये वो कागज है जो असली है। इसको उठाया, इसको रखा और ये वापस गई फाइल। बस बस और का? अम्मा, वैसे बड़ी मंजी हुई चोर हो आप है? 6 इंच की जबान ना मुंह के अंदर रखो अपने, जो काम है उस पर ध्यान दो। आदि दफ्तर पहुंचने वाला होगा। हाँ। उसके पहुंचने से पहले कागज निकालना है हमें। हाँ। है ना? हाँ। तो करो फिर से। हाँ। जल्दी करो। ये फाइल है, अब हमने फाइल खोली। हाँ। ये कागज निकाला, निकाल के इसको इधर रखा। अरे जल्दी कर, हमसे नहीं होगा। आपको कभी किसी ने कहा है कि तुम डरावनी हो? क्या बोला? हमें घबराहट हो रही है, हमसे नहीं हो रहा। हम वहां जाके कर लेंगे, रास्ते में प्रैक्टिस करते हो जाएंगे हम। इनसे ना हो पाएगा अम्मा, अब क्या करें? अरे ये तो खुद मरेगा और हमें भी मरना है। जो करना है हमें ही करना है। अरे काव्या जल्दी करो यार, तुमसे पहले कोई और ना पहुंच जाए वहां पे। अपने प्यार को बचाने जा रहे हैं, ऐसे किसी को भी जीतने थोड़ी देंगे। अरे कैसा प्यार है यार तुम दोनों का, कसम से हमको ऐसा प्यार मिल जाता ना पहाड़ से कूद के जान दे देते। अरे अगर ऐसा प्यार मिल जाए ना तो पहाड़ से कूदोगे नहीं, जियोगे। काव्या नाश्ता कर लो। अलका जी आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। भाभी ने ऐसा क्यों बोला? अब वो शायद जल्दी में थी। संजीव बताओ हमें। कल रात शायद हम बहुत ज्यादा बोल दिए उनको। क्या ज्यादा ही बोल दिया? काव्या तुम देर हो जाओगी, तुम अभी जाओ। संजीव देखो जब तक तुम हमें नहीं बताओगे हम कहीं नहीं जाने वाले, बोलो। हम उनसे अपने मन की बात उगल दिए। एक सेकेंड, क्या क्या तुम उन्हें पसंद करते हो? उनको बहुत ज्यादा, मतलब हम उनके साथ, वो हमारे साथ। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? तुम शादी करना चाहते हो उनसे? ऐसा ही कुछ उगल दिया उनके सामने। हम जानते हैं हम बहुत बड़े कमीने निकले, तुम लोग अपने घर में रखे, इतना इज्जत प्यार दिया और हम देखो क्या कर रहे हैं। तुम कभी हमको गरियाओ। ऐसा प्यार बहुत किस्मत से मिलता है आदि भैया, हमें कभी नहीं मिला। उनके बिना हमारी जिंदगी सूनी हो गई है, अकेलापन हमें काटने को दौड़ता है। दिमाग खराब है तुम्हारा?
तुम जैसे प्यारे लोग दुनिया में बहुत कम है संजीव, और भाभी पे हम जान छिड़कते हैं, और अगर उन्हें तुम जैसा जीवन साथी मिल जाए तो फिर उससे अच्छा क्या होगा? सच कह रही है तुम? वो भी यही चाहते हैं। वो हम उससे नहीं पूछे और हमको पूछने की हिम्मत भी नहीं है। पता करो और देखो, अगर वो हाँ बोले तभी आगे बढ़ना। तुम जो कर रहे हो ना वो गलत नहीं है, और इतना याद रखना कि भाभी के साथ उम्मीद भी है, तो जो भी करो उनके जज्बात ध्यान रखना, और अगर वो मान जाए तो तुम्हारी ये बहन है तुम दोनों के लिए किसी से भी लड़ जाएगी। ठीक है बहन, अभी जाओ और अपने जंग को लड़ाई करो और जीतो। बेस्ट ऑफ लक। ये अम्मा जी का भूत अभी तक सर पर मंडरा था, हाथ ही काम नहीं कर रहा है। मिला। अरे बंटी मामा। सुबह सुबह कहाँ चल दिए आप? हम वो हजरतगंज जा रहे थे, वो मोती महल का मक्खन खाने। अरे मामा, कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा हुआ है और मक्खन खाएंगे आप? हम भी जा रहे हैं उस तरफ, चलिए छोड़ देते, आइए। अरे नहीं, तुम्हें देर हो जाएगी, हम चले जाएंगे, हम मक्खन बड़े आराम से खाते हैं। अरे रास्ते में है मामा जी, कोई देरी नहीं होगी, आइए। अरे पर भाई। अरे आइए मामा जी, आइए। हाँ, असली मक्खन नहीं मिलेगा भाई। सब खिलाएंगे, आ जाइए। अरे कहाँ रह गए थे, चले गए वो लोग। ये लीजिए। सही है ना जी? हाँ वही है, वही है। बड़े साहब की कमरे की सफाई हो गई? नहीं दीदी, जा रही हूँ, तुम भी चलो साथ में। ये तुम म्यूनिसिपल ऑफिस में क्या करने आए हो भाई? दुबे जी से कुछ काम है हमें। ड्राइवर आपको आगे तक लेके जाएगा, ठीक है? मिलते हैं। ये पट्टा भी जरूर वही फाइल देखने आया है। हम तो गवाह का बयान बदलने वाले थे, पहले इसके हाथ लग गया तो कांड हो जाएगा। आदि, 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 आदि। अरे हम तो एक नंबर के भुलक्कड़ हैं, हमें भी काम था यहाँ पे। क्या काम था? कुछ काम, अब आए हैं तो कर लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ। अरे चलो ना। दुबे लैंड डेवलपमेंट, यही होगा। फाइलें इन अलमारियों में ही होंगी। मामा आप जाइए ना। हम है ना साथ में, हमें कुछ काम है भाई। ये रहा अभी। नमस्ते साहब। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, नहीं आई हो क्या काम पे? जी वो लेना लेना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, उन अलमारियों में जरूरी फाइल्स हैं, उन्हें हाथ नहीं लगाना, बार बार से साफ कर दो, बाकी फाइल्स को टच नहीं करना। दुबे सर आते ही होंगे, जल्दी से सफाई कर लो, उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना? जल्दी से सफाई करो और बाहर निकलो, मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। इसमें बीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का कुछ भी नहीं है। पूरा
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।